हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब वीडियोस पे व्यू ला सकते हो या फिर अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करा सकते हो। क्या फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगता है कि जो फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर टिकटॉक या इंस्टाग्राम जो ये सोशल ऐप होते हैं, क्या ये हमें हेल्प करते हैं हमारे यूट्यूब वीडियो को बढ़ाने के लिए, यूट्यूब वीडियो को ग्रो कराने के लिए या फिर हमारे जो यूट्यूब वीडियो पर व्यू लाने के लिए? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही सब बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल अधिकारी चैनल, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अधिकारी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरे YouTube वीडियो का थंबनेल देखा होगा, जो सोशल ऐप होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे YouTube चैनल को ग्रो कराने के लिए या फिर हमें कुछ व्यूज़ पाने के लिए वो हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस पे हम बात करें, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे टिप्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो आप फॉलो करते हैं तो आपका YouTube चैनल कहीं ना कहीं ग्रो होता है, जैसे टैग, डिस्क्रिप्शन बहुत सारे हैं। पर हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है सोशल ऐप के हमें हेल्प करते हैं हमारे चैनल को ग्रो कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम चाहें तो हमें हेल्प करवा भी सकते हैं और अगर हम नहीं चाहें तो वो हेल्प नहीं करते। फ्रेंड्स, ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ऐप को यूज करते हैं, जैसे आपने यूज किया फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक, फ्रेंड्स ये एक ऐसे सोशल ऐप है, अगर आप यहाँ पे अपनी वीडियो डालते हो तो यहाँ पे थोड़ा सोच और समझ के हमें काम करना पड़ता है, एक प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं टिकटॉक की बात करूँ, टिकटॉक एक बहुत पॉपुलर ऐप जो अभी तक बहुत ज़्यादा कह लो कि सबसे नंबर वन पे जो अभी ऐप चल रहा है टिकटॉक। अगर फ्रेंड्स आप टिकटॉक पे अपनी वीडियो डालते हो, सबसे पहली बात फ्रेंड्स, टिकटॉक पे एक मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाओगे अगर वो आपकी खुद की वीडियो है। और फ्रेंड्स दूसरी बात, अगर आप टिकटॉक पे वीडियो डालते हो तो आप कौन सी कैटेगरी आपके यूट्यूब पे, जैसे आप टैग हो, आपके न्यूज़ चैनल है, आपका कोई कुकिंग से रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात आती है क्या लोग आपके टिकटॉक पे वीडियो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक होगा नहीं देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो लोग उसे इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। उसके बाद आप कोई टेक चैनल या कुकिंग वहाँ पे अगर यूज करोगे अपनी वीडियो को, मैक्सिमम वहाँ नहीं देखेंगे। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं फेसबुक। फ्रेंड्स, मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल पर व्यू ला सकते हो, सबसे पहली बात वही बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है फेसबुक। फ्रेंड्स, फेसबुक पर अगर आप चाहते हो कि आपका यूट्यूब चैनल जो वीडियो आप डालते हो उनमें कुछ व्यू आ सके, वहाँ पर सब्सक्राइबर मिले, आपका चैनल जल्दी ग्रो, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात फेसबुक पर आपने एक पेज क्रिएट करना है। पेज अगर आप क्रिएट करते हो अपने फेसबुक पे जाना, वहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन मिलेगा सेटिंग में, पेज क्रिएट करना। और फ्रेंड्स उस पेज में आप क्रिएट करने के बाद आपकी जो वीडियो उन्हें अपलोड करनी है। फ्रेंड्स अपलोड तो आप कर दोगे, उसके बाद जो पहला पॉइंट आपने नोट करना है, आपने अपने यूट्यूब सर्च में जाना, वहाँ पर जो रिलेटेड आपके यूट्यूब चैनल है, जिससे रिलेटेड है, टैग से, न्यूज से या फिर किचन फूड या कुछ भी स्पोर्ट्स से, तो आपके उसी कैटेगरी के पेज सर्च करने हैं। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको उन्हें फॉलो करते, जितनी ज़्यादा आप फॉलो करेंगे पेज, जैसे आपका टैग चैनल, तो मैंने 100 टैग चैनल, 50-60 टैग जो चैनल होते हैं, जो पेज होते हैं, उन्हें मैंने लाइक कर दिया, फॉलो कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही वो अपने पेज पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें वहाँ पे एकदम जुड़ा रहना, उनसे उनके वीडियो पे कमेंट्स करने हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं उनको कमेंट्स करना है, उन्हें लाइक करना है। तो फ्रेंड्स वहाँ से एक जो पब्लिक होती है, एक जो ट्रैफिक होता है, वो कहीं ना कहीं आपके पेज पे शिफ्ट होगा। फ्रेंड्स ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर करते हैं ना, हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो होता है, पर ये सोचने के बाद हम उसे कैसे कर रहे हैं। फ्रेंड्स वही बात आती है इंस्टाग्राम की। तो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम इंस्टाग्राम को भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए हम उसे हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स वहाँ पे भी सेम है, आपको अपने अकाउंट क्रिएट करना होगा। हमें ऐसी पब्लिक चाहिए जो हमसे रिलेट करती है, हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेट करती है। जैसे मेरा टैग चैनल है, तो मैं वहाँ जो टैग आप यूट्यूब पे देखते होंगे फ्रेंड्स, सबसे सिंपल बात, आप यूट्यूब पे बहुत सारों के टैग चैनल देखते होंगे, या किचन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड, जो भी आपका चैनल है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड जब आप उनके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर सबके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हो। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप इंस्टाग्राम पे उन्हें फॉलो करेंगे तो उनकी जो पब्लिक है ना वो आपसे रिलेट करेगी, आप उन्हें मैसेज करोगे, उनके कमेंट पर लाइक करोगे, तो वो जो ट्रैफिक वहाँ इंस्टाग्राम पे, वो आपके इंस्टाग्राम पेज पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो वो बहुत हेल्प करता है आपको आपके यूट्यूब
जो चैनल है उसमें व्यू लाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए। तो वहीं फ्रेंड्स फेस अब व्हाट्सअप आता है। फ्रेंड व्हाट्सअप टिकटॉक की ऐसी साइड है जहां मुझे नहीं लगता कि टिकटॉक और व्हाट्सअप से आपको व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पर ना इनवैलिड क्लिक होने का डर ज़्यादा रहता है। फ्रेंड्स अब होता है इनवैलिड क्लिक, क्या होता है फ्रेंड्स इनवैलिड क्लिक, ये होता है कि अब व्हाट्सअप पर मान लीजिए आपने अपना एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, उसका जो लिंक होता है उसका लिंक आपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दिया, तो फ्रेंड्स वहाँ कोई उसे नहीं देखेगा यार। अगर आपका कॉमेडी चैनल शायद एक बार कोई देख ले, अब टेक चैनल, स्पोर्ट्स चैनल या फूड चैनल आपका है, तो फ्रेंड्स उसको देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा जब तक वो आपसे रिलेट नहीं करता। तो फ्रेंड्स वहाँ क्या होगा, आप लगाओगे किसने क्लिक करके आपके यूट्यूब पेज पे आ गया, तो आपकी वीडियो कभी पूरा नहीं देखेगा, सिर्फ 5 से 6 सेकंड देखेगा, यार कोई ऐसी बात है नहीं। तो वो इनवैलिड क्लिक हो जाते हैं जहाँ आपके जो वीडियो पे क्लिक करते हैं और 5 से 6 या 10 सेकंड में ही वो उससे हट जाते हैं। तो फ्रेंड्स वो इनवैलिड क्लिक जिससे क्या होता है आपका CTR हाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स जहाँ तक मेरा मानना है फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे अच्छी चीज़ें हैं जहाँ आपका जो है यूट्यूब चैनल जो है उसको व्यू ज़्यादा मिल सकते हैं टिकटॉक और फेसबुक की बजाय। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो आपका यूट्यूब जो वीडियोस पे व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर आए, तो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप पेज क्रिएट कर सकते हो। वहाँ ऐसे लोगों को, ऐसे जो क्रिएटर हैं उन्हें सर्च करो जो यूट्यूब पे जिनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, उनके जो पब्लिक होती है उनसे ज़्यादातर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो उन पेज पे। इससे आपका जो चैनल हो ग्रो होगा, आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा जो आइडिया है अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि होता है बहुत सारे व्यूज़ आते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।